इस खबर के सह प्रायोजक है पहलवान गुरुदीन प्रशिक्षण महाविद्यालय पनारी रोड ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि विधिक माप विभाग द्वारा कस्बा बिरधा में बांट माप का कैंप लगाया गया। ग्राहकों को सही तौल से वस्तुएं मिल सके और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो, इसके लिए जिलाधिकारी ललितपुर के निर्देश पर जगह जगह विधिक माप कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में कस्बा बिरधा के आदर्श बाजार में विभाग द्वारा कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कस्बा बिरधा के दुकानदारों के बांट की जांच की गई तथा उनका सही माप किया गया। वरिष्ठ निरीक्षक एसपी शुक्ला ने बताया कि जनपद ललितपुर में 12 कैंप लगाए जा रहे हैं, जो प्रत्येक वर्ष लगाए जाते हैं। शुक्ला ने बताया कि व्यापारी उपभोक्ता के साथ छलावा नहीं कर पाएंगे। कहा कि यह कैंप जिलाधिकारी एवं व्यापार मंडल की संतुष्टि के अनुसार लगाए जाते हैं और जो भी व्यापारी इस नियमित का पालन नहीं करेंगे उन पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। विधिक माप विभाग के अनुसार कोई भी व्यापारी अगर किसी उपभोक्ता के साथ खटतोली करते हुए पाया जाता है तो तब व्यापारी पर धारा 24 के अनुसार दंड का प्रावधान है, जिसको जुर्माना भरना पड़ेगा और साथ ही कोर्ट द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी। एसपी शुक्ला ने कहा कि किसी भी उपभोक्ता को व्यापारियों से किसी भी माप तोली में कमियों पाई जाती है तो वह कार्यालय में या फिर मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर सकता है। कैंप में जी ला माप अधिकारी एसपी शुक्ला, उमेश शर्मा एवं मरम्मतकर्ता बालकिशन साहू, लाइसेंसी संतोष कुमार मौजूद रहे। ललितपुर लाइव टीवी के लिए बिरधा से नीतेश कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट।